मुंबई के स्ट्रीट फूड के बारे में हमने बहुत बात की है, आज भी हम खाने के बारे में बात करेंगे लेकिन थोड़ा हटके। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 7 ऑथेंटिक रेस्टोरेंट्स वेयर यू कैन एंजॉय रीजनल डेलिकेसीज विद योर फैमिली। साउथ इंडियन फूड इज मच मोर देन योर एवरेज इडली वड़ा सांबर एंड अनफॉर्चुनेटली मुंबई में आपको हर जगह ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड नहीं मिलेगा एंड दैट्स एग्जैक्टली वे वी स्टेप इन। गुगन इज फेमस फॉर इट्स ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड एंड आई विल टेल यू व्हाई। हमारी गुगन सुप्रीम थाली आ चुकी है। ये थाली हमें सर्व की गई है बनाना लीफ पे, सो आई हैव अ फीलिंग कि ये बहुत ऑथेंटिक होने वाला है। इस थाली में है वेज बिरयानी, सांबार, दाल, रसम, चटनी, पापड़म, उत्तपम, प्लेकी पराठा एंड ऑफ कोर्स राइस। थाली के अलावा हमने ऑर्डर किया है मशरूम चेतीनानी और दो पराठा। वेल द पराठाज आर रियली वेरी फ्लेकी एंड द स्टार ऑफ द डिश इज ऑफ कोर्स द मशरूम चेतीनानी। सिंस इट्स द साउथ इंडियन डिश द फ्लेवर ऑफ चेतीनानी मसाला इज एब्सोल्युटली देयर एंड इसके अंदर बहुत सारे मशरूम। जिस तरह हम अपने व्यूअर्स के बिना इनकम्प्लीट है, उसी तरह साउथ इंडियन क्यूजीन भी फिल्टर काफ़ी के बिना अधूरा है। टू सम अप दिस प्लेस इज वेरी रिच इन इट्स कल्चर। इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स फूड बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स एम्बियंस एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स स्टाफ। खानदानी राजधानी एक ऐसी परंपरा है जो कि सालों से चलती आ रही है। यहाँ पे खाना खाने का एक्सपीरियंस ही एकदम अलग हो जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द वे यू आर वेलकम हियर एंड द वे द फूड इज सर्व। इस थाली में आपको मिलती है 32 चीज़ें विच इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनी, फरसान, सब्जी, दाल, ब्रेड्स, मिठाई और सारी चीज़ें। सोने पे सुहागा बात ये है कि ये सब अनलिमिटेड है, तो अगर आपको ऑथेंटिक राजस्थानी खाना खाना है बॉम्बे में तो यही जगह है। आज मेरे टीम वाले ने ना मेरा दिल खुश कर देता क्योंकि फाइनली आज मुझे खाने मिलेगा ऑथेंटिक पंजाबी फूड और उसके लिए हम आए हैं सिंह साहब। इन्होंने इस तलवार का स्वागत किया है सिंह साहब की मूर्ख तलवार नाल। अब जो हमने सेकंड स्टार्टर ऑर्डर किया ना, वो एक्चुअली स्टार्टर जैसा साउंड ही नहीं करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स नेम। इसका नाम है रोटी पे बोटी। पंजाब का खाना मकई की रोटी और सरसों के साग के बिना अधूरा है। यहाँ पे हमें मिलता है पूरा मील, दो मकई की रोटी, एक सरसों का साग, थोड़ा सा गुड़ और घर का वाइट मक्खन। अब हमने मंगाया है तवा मुर्ग अंगारा। जितना तड़कता भड़कता इसका नाम है ना, उतना ही तड़कता भड़कता इसका रूप है। और किधर ना किधर ठंडक पहुँचाने वास्ते कुछ ना कुछ तो करना पैसे ना, इस करके मैंने मंगाई है लस्सी। तिक्का तिक्का खावांगे तो ठंडी ठंडी लस्सी पी के हो जावांगे। इन्होंने ना सीधा खड़ा मसाला ऊपर डाल दिया विच ऑफ कोर्स इंक्लूड्स चिली, और जो तीखा किक पड़ा ना मुझे, बापरे बाप। अगर आपको तीखा पसंद है ये डिश तो आपको ट्राई करनी ही चाहिए। ये तो कुछ चीज़ें थी जो हमने इनके मेन्यू से मंगाई है, लेकिन इनका मेन्यू इतना बड़ा है कि ख़त्म ही नहीं होता। अगर आपको ऑथेंटिक पंजाबी खाना है तो ये जगह तो आना ही है। क्या आपको पता था कि कालबा देवी की इन गलियों में एक ऐसी जगह है जो कि सर्व करते हैं ऑथेंटिक गुजराती थाली सिंस 1945। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल ऑथेंटिक गुजराती थाली। थाली देख रहे हो, इस थाली में हमें मिलती है 8 टाइप की डिफरेंट चटनी जो कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं इनके फरसान को, और जो हमें मिलते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स के। यहाँ हमें मिलते हैं 4 टाइप के डिफरेंट साग, 2 तरह की दाल और 2 तरह की कड़ी, और इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मिलती है 7 तरह की रोटियाँ। इस थाली का हाईलाइट तो अनडाउटेडली इनकी मिठाई है। लास्ट में तो मैं बस यही बोल सकती हूँ, आ थाली तो बहुत सरस्वती। गोवा पोर्चुगीजा सर्व्स ऑथेंटिक गोनीज फूड एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितनी सारी डेलिकेसीज की ऑप्शन है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज डेफिनेटली इट्स एम्बियंस।
For starter, pehla hai prawns resources, which is actually an authentic Goan dish. दिखने में ये करंजी जैसी है, but इसकी जो अंदर की stuffing है, वो है prawns और cream based. First main course that we have ordered is a veg main course, which is known as tender coconut cashew nut souffle. अब आप सोच रहे होंगे हमने वेजिटेरियन खाना क्यों मंगाया है? It is because of the way it is served, and this dish is globally awarded. हमने यहाँ ऑर्डर किया है प्रॉन्स एंड रॉ मैंगो करी. इसका जो बेस है दैट इज कोकोनट मिल्क बेस, विच मेक्स इट वेरी क्रीमी, बट एट द सेम टाइम इट हैज दैट स्पाइस वाला टेस्ट. एंड इसके साथ हमने ऑर्डर किया है रेड राइस, विच इज ऑथेंटिक गोवन राइस. मीठे में हमने ऑर्डर किया है डुडोस, विच इज ऑथेंटिक गोवा डिजर्ट. जो मिठास है ना, वो एकदम बढ़िया से बैलेंस आउट हो गई है. गोवा की डेलिकेसीज इतनी सारी वैरायटी में आती है, मुझे तो पता ही नहीं था. नाउ दैट आई नो अबाउट इट, तो आई विल डेफिनेटली कम हियर अगेन. आता तर तुम्ही मला बोलणारच की काय सारखं सारखं महाराष्ट्रन जेवण दाखवते, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पहले हमने बात की थी महाराष्ट्रन स्ट्रीट फूड की. आज मैं आपको ऑथेंटिक महाराष्ट्रन क्यूजीन खिलाने वाली हूँ, वो भी जो आप आराम से बैठ के खा सकते हो. नव चैतन्य इज फेमस फॉर इट्स थाली. इसके लिए हमने यहाँ मंगाई है सुरमई थाली, जहाँ हमें मिलता है सुरमई फ्राई, बांगड़ा टिकला, जवलाची भाजी, एंड यहाँ पे आपको रोटी और राइस भाकरी में ऑप्शन है. सो ऑफकोर्स हमने राइस भाकरी मंगाई है, एंड लास्ट में राइस. स्टार्टर्स में हमने यहाँ मंगाई है दो चीज़. फर्स्ट मांडेली फ्राई, जो कि चटनी के साथ बहुत ही बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट करती है, एंड सेकेंड केकड़ा फ्राई. एंड ये केकड़ा फ्राई को इतना मस्त इन्होंने डीप फ्राई किया है ना, दैट इज वेरी जूसी. यहाँ का खाना तो बहुत ही बढ़िया था और थोड़ा स्पाइसी था, इसके लिए मैंने यहाँ मंगाए हैं ऑथेंटिक महाराष्ट्रन उखड़ी से मोदक. वेल द मोदक इज सर्व विद घी, एंड इसके अंदर फिलिंग है जैगरी और कोकोनट की, एंड ट्रस्ट मी आई लव दिस. जितने अच्छे बंगाली लोग होते हैं उनसे कई गुना अच्छा उनका खाना होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मुंबई में वैसा ऑथेंटिक बंगाली खाना मिलना थोड़ा मुश्किल है. बट एक जगह है जहाँ पे आपको ऑथेंटिक बंगाली कुजीन तो मिलेगा, एंड दैट प्लेस इज भुजोरी मन्ना. मैंने यहाँ पे सबसे पहले मंगाया स्टार्टर. जो स्टार्टर मैंने मंगाया उसका नाम है मटन कबीराची कटलेट. द आउटर थिंग दैट यू कैन सी इट्स मेड आउट ऑफ एग, एंड जो अंदर मटन कटलेट है ना, माई गॉड इट इज सो जूसी. जो पहला मेन कोर्स हमने मंगाया है वो है मटन डाक बांग्ला विथ लूची. लूची मैंने बंगाल में पूरी को लूची बोलते हैं. वेल स्पीकिंग अबाउट मटन, इट हैज अ स्पाइसी फ्लेवर अलॉन्ग विद थोड़ा सा मिठास. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मटन आई हैव हैड सो फार. व्हेन इट कम्स टू ऑथेंटिक बंगाली क्यूजीन, पर्सनली मुंबई में ऐसी कोई जगह नहीं है जो मैंने अब तक देखी है, बट दिस प्लेस अमेजिंग बंगाली. मुंबई के बिजी स्केड्यूल में इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम ना कि एवरी वीकेंड आप होम टाउन के लिए प्लान करो, बट हमने ये लिस्ट तो दे दिए जहाँ पे आपको होम टाउन लाइक फूड मिलेगा. अब वीकेंड के प्लान के लिए ये वीडियो तो आप अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करोगे, साथ ही साथ उन्हें बोलना कि इस वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें.